नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। दोस्तों, KBS एग्जाम में कंप्यूटर अनिवार्य कर दिया गया है, जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं का समरी लेकर हम आए हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा, तो उसे क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रोप्रोसेसर का विकास किया था? इंटेल। अगला है, माइक्रोप्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? चौथी पीढ़ी के। VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI का अर्थ है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कार में लगा गति मापक यंत्र उदाहरण है एनालॉग कंप्यूटर का। विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। अगला है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं PC। अगला है, जिस कंप्यूटर को आसानी से साथ लेकर घुमा जा सकता है उसे लैपटॉप कहते हैं। इनमें से कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? PDA, यानी कि PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगला, यह एक छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपके वेब सर्फ करने में सहायता करता है, नेटबुक। अगला है, PC का पूर्ण रूप है पर्सनल कंप्यूटर। अगला है, एक पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है कहलाता है लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर। अगला, यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। अगला है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर निर्माण किया गया था CRC यानी कि क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा। अगला है, भाभा परमाणु अनुसंधान बार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर उसका नाम अनुपम है। अगला है, कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है? 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किया था JP एकर्ट तथा जॉन मुचली ने। अगला है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रयोग होता है निर्वात ट्यूब में। अगला है, VLSI तकनीक का प्रयोग किया जाता है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। अगला, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम माइक्रो कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर में होते हैं हजारों माइक्रो प्रोसेसर। सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है उसे कहते हैं सुपर कंप्यूटर। परम क्या है? परम एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया है CDAC द्वारा, यानी कि CDAC का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसकी ये संस्था पुणे में है। अगला है, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था नाल यानी कि नेशनल एरोनॉटिकल लैब में बेंगलुरु द्वारा। अगला है, कौन सबसे बड़ा तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। अगला है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है परम। अगला है, CDAC का संबंध है सुपर कंप्यूटर से। अगला है, भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में कहते हैं यूजर फ्रेंडली। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है एक हार्डवेयर। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया सकता है? हार्डवेयर को। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं, सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट मेमोरी। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर प्रोसेसर और रॉम का उदाहरण है हार्डवेयर का। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों फंक्शंस का सही क्रम है इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है उसे फेच डिकोड या एग्जीक्यूट कहते हैं। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को फैचिंग कहते हैं। अगला, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को कहते हैं इनपुट। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है आउटपुट। जब कंप्यूटर मशीन में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को कहते हैं मशीन साइकिल। अगला है, यह मेमोरी और CPU के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है जिससे प्रोसेसिंग क्षमता वृद्धि होती है उसे कैश मेमोरी कहते हैं।
अगला है प्रोसेसर द्वारा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद यानी कि स्पीड मीन्स मैच समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कहते हैं कैश मेमोरी। अगला है गीगो का संबंध होता है त्रुटि रहित कार्य एक्यूरेसी से। अगला है सिस्टम यूनिट का एक भाग है सीपीयू। अगला है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड। अगला है रैम तथा रोम स्थित होता है मदरबोर्ड पर। सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं मदरबोर्ड पर। अगला है सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। अगला है धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है सिस्टम यूनिट। अगला है तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर का एक भाग दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है उसे बसेस कहते हैं। अगला है मदरबोर्ड सर्किट जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे होते हैं। अगला है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं इन लाइनों को कहते हैं बेसेस। अगला है मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है इसे सिस्टम बस कहते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है उसे कहलाता है प्रोसेसर। अगला है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। अगला है सीपीयू का पूरा रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है कंप्यूटर प्रोसेस या सीपीयू में होता है कंट्रोल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी। अगला एक हार्डवेयर डिवाइस है जिस कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला सीपीयू के लिए दूसरा शब्द है माइक्रो प्रोसेसर। अगला कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है सीपीयू में। अगला सीपीयू का कार्य है इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड इंटरप्रेट प्रोसेस करना। अगला वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तन करता है उसे प्रोसेसर या सीपीयू कहते हैं। अगला कंप्यूटर के तीन अन्य कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित यानी कंट्रोल करने वाला सीपीयू का भाग होता है कंट्रोल यूनिट सीयू। अगला है एल यू लिखा है ये ALU संपन्न करता अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल परिचालन। अगला है सीपीयू के कार्य अर्थमेटिक तथा लॉजिकल गणनाएं करना मेमोरी प्रबंधन करना इनपुट आउटपुट प्रबंधन करना। अगला है कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करते हैं ALU। अगला है कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है प्रोसेसर। अगला है ALU जिससे जिस डाटा इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वह रजिस्टर में। अगला है कंप्यूटर में ALU से तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है आउटपुट इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा। आउटपुट क्या होता है वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है। अगला है बायोस यानी बेसिक आउटपुट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रणाली में विद्यमान होती है रोम यानी चिप में। अगला है बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का पूरा रूप है बायोस का BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है डेटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।